ध्यान रहे कि बीपी मंडल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन कोर्स 2.5 साल लेट चल रहा है जी, यानी 3 साल का बीए आप यहां से 5.5 साल कर सकते हैं। अगर अपने आप को डबल बर्बाद करना है तो यहां आइए। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स 2 साल लेट चल रहा है। 2 साल का एमए यहां आप 4 साल में कर सकते हैं। विश्व गुरु बनाने का सपना वो चूरन है जिस पर नौजवान भारत के नौजवान फ्री में लुट गए। चूरन भी नहीं है, दरअसल पुड़िया खोलिएगा तो बालू भरा मिलेगा। मधेपुरा तो राजनीतिक रूप से सक्रिय इलाका माना जाता है, फिर बीपी मंडल के नाम पर बनी इस यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत क्यों है? क्या आप 3 साल का बीए 5.5 साल में करना चाहेंगे? ये यूनिवर्सिटी क्यों है, किस लिए है? नौजवानों के साथ नेताओं ने 2 धोखा किया है। पहला धोखा यह किया कि यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दी, और दूसरा धोखा यह कह रहे हैं कि उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झोंक दिया है। 20 साल बाद आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी, अभी नहीं चल सकता है। कई छात्रों ने बताया कि 2013 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं मगर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। बताइए, आंदोलन की इस तस्वीर को देखकर लगता है कि औपचारिकता ना होती तो वो भी ना करते, धरने पर ऐसे बैठे हैं कि बस जाने वाले। राजद और एबीवीपी के झंडे दिख रहे हैं, किस्सा सुनेंगे तो खुशी के मारे 10 पूड़ी खा लेंगे कि चलो मधेपुरा सहरसा के भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वहां भी पढ़ाई नहीं है। झारखंड, रेगिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ही बच्चे नहीं बर्बाद हो रहे। 90,000 छात्रों का पार्ट 1 की परीक्षा 2.5 साल लेट है, खाइए 5 पूड़ी और। 16 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, 15 अक्टूबर की रात कैंसिल हो गई, फिर 30 अक्टूबर का डेट निकला वो भी कैंसिल। इसका नाम कैंसिल यूनिवर्सिटी रख दीजिए। हुआ यह था कि पूर्णिया में शिक्षा माफिया ने कई हजार छात्रों को अब से एडमिशन लेकर पास कराने का ठेका लिया। जब इम्तहान से पहले एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा तो यह हंगामा करने लगे, उपद्रव पर उतर आए। हालत यह हो गई कि पूर्णिया प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से अनुरोध किया कि इम्तहान रद्द कीजिए, वरना वो जो हमेशा नियंत्रण से बाहर चली जाती है चली जाएगी, जिसका नाम कानून और व्यवस्था है। पूर्णिया के रामकिशन कौशल्य कॉलेज में पार्ट 1 में 3600 एडमिशन हो गया जबकि कोटा 856 का था। इसके पीछे शिक्षा माफिया का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन अभी छात्र और प्रशासन के बीच समझौता है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल भागे हुए हैं, उनका कोई बेटा है वो भी भागा हुआ है। तय हुआ है कि 6 नवंबर को यूनिवर्सिटी की टीम जांच करेगी और जो सही छात्र होंगे एडमिट कार्ड मिलेगा, और 7 नवंबर को परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। यहां बीएड और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्स भी 2 से 2.5 साल लेट चल रहे हैं। बीएनएमयू में छात्रों के उम्र की हत्या की जा रही है। अब छात्र ये बोलने को तैयार हो गए हैं कि बर्बाद होने के लिए प्यार जरूरी नहीं है, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में नामांकन ले लो वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। आप बीए का सेशन 3 साल पीछे चल रहा है, पीजी का सेशन 2 साल पीछे चल रहा है, एलएलबी का सेशन 4 साल पीछे चल रहा है, बीसीए का सेशन 2 साल पीछे चल रहा है, और प्री पीएचडी में तो हद है। जो शोध के लिए विश्वविद्यालय बनता है वो विश्वविद्यालय 2011-12 के बाद आज तक प्री पीएचडी टेस्ट नहीं हुआ है। मेरा सेशन में 2015 में एडमिशन ली थी और 2018 होने जा रहा है और अभी तक मेरा कोई एग्जाम पार्ट 1 का भी एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत लेट जा रहा है। वो एग्जाम का डेट बार बार आ रहा है बट अभी तक हर बार कैंसिल हो रहा है एग्जाम, अभी तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ है। और मेरे फ्रेंड्स जो भी मतलब बाहर यूनिवर्सिटी से हैं अच्छे अच्छे, उनका 2018 में फरवरी मार्च में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रहा है बट मेरा अभी तक कोई पता नहीं कि कब एग्जाम होगा पार्ट 1 का, कब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। ये 5 साल जाएगा, 6 साल जाएगा और कितना जाएगा। जोश में एक गलती मैंने कर दी कि बीएन मंडल की जगह बीपी मंडल बोल दिया, दोनों अलग हैं, ये बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है। वाइस चांसलर ने आंदोलन पर उतरे छात्रों से बात की, बहुत वीसी तो बात करने नहीं आते पर इन्होंने बात की। वाइस चांसलर अवध किशोर राय ने माना कि उनके यहाँ करीब 2 साल सेशन लेट चल रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, राज्य के शिक्षा मंत्री को कोई कष्ट नहीं होगा। उनकी कुर्सी पर पीठ से लेकर सीट तक सफेद तौलिया रोज बिछती और बिछता होगा, और हैंड टॉवल तो व्हाइट वाला मिलता ही होगा। वाइस चांसलर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि बुलेट ट्रेन के आने से पहले यानी 2018 तक वो सारे लेट सेशन जो लेट चल रहे हैं समय पर पहुंचा देंगे। उनका कहना है कि कोसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण सेशन लेट है, जो कि सही बात नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कई यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है, हर जगह प्राकृतिक आपदा नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक भी परमानेंट नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, ये उन्होंने फोन पर बताया। सब एडहॉक हैं, एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 160 कर्मचारी चाहिए लेकिन 81 स्टाफ है वो भी एडहॉक हैं। करीब 40 स्टाफ हमने कॉलेजों से डेपुटेशन पर मंगाए हैं, शिक्षकों के 40% पद भी खाली हैं।
ये बिल्कुल सच कहा जा रहा है कि खास करके बिहार में जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में जो सेशन चल रहा है वो लेट चल रहा है, उसके कई कारण हैं। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में या कोसी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय अवस्थित है वहाँ पर संसाधन की कमी है। संसाधन में सबसे बड़ी मानव संसाधन की कमी है, शिक्षकों की कमी है। जहाँ एक कॉलेज में 7 शिक्षक का पद सृजित है, आज के तारीख में वहाँ 15 से 20 शिक्षक ही कार्यरत हैं। कुछ कॉलेज तो ऐसे ही हैं कि जहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं, कुछ विषयों में शिक्षक हैं ही नहीं, जिसके चलते लड़कों में भी उदासीनता आ गई है। और जहाँ तक कोर्स ख़त्म करने की बात है, जो 3 महीने में कोर्स ख़त्म होने चाहिए, शिक्षकों की कमी के चलते उसमें भी समय अधिक लगता है। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बिहार की बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ यूनिवर्सिटी के पास एक भी परमानेंट कर्मचारी नहीं है। सोचिए 160 की जगह 81 स्टाफ है, फिर भी यूनिवर्सिटी चल रही है, जिससे करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है जो ब्राइट है।